पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत प्रदेश भर में रविवार को नगर निकाय में कार्यकारी अधिकारी और सचिव की भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया। जिला मंडी में 24 केंद्रों में यह परीक्षा आयोजित की गई। जिला में विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर होने वाली इस परीक्षा के लिए प्रशासन ने दो दिन पहले ही तैयारियां पूर्ण कर ली थी, ताकि कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर तमाम सावधानियां बरती जा सके। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी श्रवण मांटा ने बताया कि नगर निकाय में कार्यकारी अधिकारी और सचिव की भर्ती के लिए परीक्षा के दौरान कोरोना महामारी के चलते जिला प्रशासन द्वारा तमाम सावधानियां बरती गई। जो हिमाचल प्रदेश म्यूनिसिपल सर्विसेज में यूएमसीज और सेक्रेटरी की जो एग्जामिनेशन जो होनी है, इसमें मंडी में 24 केंद्र स्थापित किए गए हैं और इन केंद्रों में 3878 जो अभ्यर्थी है वो इसमें जो है परीक्षा में जो है रोल नंबर आवंटित किए गए हैं। इसमें 24 हमारे केंद्र हैं। इसके अलावा एक जो पॉजिटिव हमारे कोविड पेशेंट्स हैं उनके लिए एक स्पेशल जो सेंटर है, ये जो हमारा DCC डिस्ट्रिक्ट कोविड केयर सेंटर छिपनू है मंडी में, उसको स्थापित किया गया है। पूरी एग्जामिनेशन के लिए सारे इंतजाम किए गए हैं और जो भी सोशल डिस्टेंसिंग और इसके साथ जो हमारी सैनिटाइजेशन, थर्मल स्कैनिंग और जो DCC हमारा स्पेशल कोविड केयर सेंटर है, इसमें जो है स्पेशल सेंटर में सारी एहतियात जो है बरती गई है। ये जो कोविड केयर सेंटर में हमारा हेल्थ का जो स्टाफ डिप्लॉयड है, उन्हीं स्टाफ की ड्यूटी हम जो है इस एग्जामिनेशन में, इन्हीं में से जो इंचार्ज वहाँ के होते हैं उन्हीं को सेंटर सुपरिटेंडेंट का रोल जो है वही निभाते हैं। इनको जो है मीटिंग करके पूरी तरह से किस तरह से इन्होंने जो है पूरी प्रक्रिया एग्जामिनेशन की कर ली है इसके बारे में पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, और साथ ही साथ किस तरह से जो है PPE किट में रह के जो है इनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और साथ में क्योंकि यहाँ पे कैंडिडेट हमारे 2 या 3 ही होते हैं जो इस बार अभी तक हमें कन्फर्मेशन आई है, तो इसमें हम वीडियोग्राफी भी यहाँ की करते हैं और पूरी जो एहतियात एक कोविड केयर पेशेंट के साथ बरतनी होती है उस तरह बरती जाती है। वहीं सुजानपुर महाविद्यालय में बनाए गए परीक्षा केंद्र में करीब 127 अभ्यर्थियों ने भाग लेना था, लेकिन रविवार को केवल 111 अभ्यर्थी इस परीक्षा में बैठे। Thank you.